कमाल नाम का छठवापन, दूत का नाम है मन मकरंद, उसने मुर्दे में वास किया है, मेरा पुत्र बन प्रकट हुआ है, छिलमिल ज्योत उपदेश करेगा, जीवों को इस तरह ठगेगा, जहाँ तक जीव की दृष्टि होगी वहाँ तक झिलमिल ज्योत दिखेगी, दोनों से ना देखेगा कैसे ज्योति पहचानेगा, झिलमिल रूप काल का ही जानो, उसको ना अविनाशी मानो, सातवां दूत है चित्त भंग, विभिन्न प्रकार के रूप और रंग, दौन नाम का पंथ चलाए, आत्मा को सत पुरुष बताए, पांच तत्व गुण तीन बतावे, इस विधि ऐसा पंथ चलावे, आत्मा ब्रह्म है उसके लिए, राम ने वशिष्ठ गुरु क्यों किए, कृष्ण ने गुरु की सेवा की थी, ऋषि मुनियों की तो क्या है गिनती, नारद ने गुरु दोष लगाया, विष्णु जी ने नरक भिजवाया, उसका भी जग ज्ञान है इतना, कूलर कीट जग समझे जितना, खुद को ब्रह्म कहे भला न होगा, ऐसा जीव तो रोता फिरेगा, अब मैं आठवां पंथ बताऊं, अकिल भंग को मैं समझाऊं, परम धाम कह पंथ चलावे, कुछ कुरान कुछ वेद चुरावे, कुछ निर्गुण मेरा भी लेगा, सबको मिला एक ग्रंथ रचेगा, ब्रह्म ज्ञान का पंथ चलावे, कर्मी जीवों को उलझावे, नौवां पंथ मैं तुम्हें बताऊं, दूत विशंभर को समझाऊं, राम कबीर का पंथ चलावे, निर्गुण सगुण मिला कर गावे, पाप पुण्य को एक बतावे, ऐसा पक्ष रख कर समझावे, मैं अब दसवां पंथ बताऊं, नट्टा नैन दूत समझाऊं, सतनामी कह पंथ चलावे, वर्ण चारों को एक मिलावे, क्षत्रिय और विप्र बताऊं, वैश्य शूद्र सब एक मिलाऊं, सदगुरु शब्द न पहचानेगा, ऐसा जीव नरक जाएगा, शरीर ज्ञान को वह समझावे, पर सतपुरुष की राह न पावे, हे धर्म सुनो काल हर पल फंद रचना करता है, कर्म फंदों में फंसा कर जीव को खा लेता है, छूटे यम के फंद से जो जीव शब्द पहचानता, सतनाम के प्रताप से सतलोक को ही बह जाता, सुमिरन अमृत तुल्य है प्रभु शब्द है सार, शब्द जो दृढ़ता से पकड़े होए हंस वो पारे, दुर्ग दानी बलशाली अपार, पंथ ग्यारवां कहूं विचार, जीव पंथ का पंथ चलावे, शरीर ज्ञान की बात बतावे, काया ज्ञान का कथन सुनावे, बहके जीव प्रभु ना पावे, जो भी जीव अभिमानी होगा उसके ज्ञान से प्रेम करेगा, बारवां पंथ तुम्हें समझाऊं, हंस मुनि का तमाशा बताऊं, वचन वंश धर सेवक होगा, पहले बहुत ही सेवा करेगा, फिर अपना मत प्रकट करेगा,
जीवों को बंधन में बांधेगा, अंश वंश का विरोध करेगा, कुछ बातों को वह मानेगा, इस विधि काल दाब लाएगा, बारे पंथ वे चलवाएगा, जग में दूत कई बार आएंगे, उन पंथों को चलवाएंगे, जहां जहां वे प्रकट होंगे, बहुत ज्ञान जीवों को कहेंगे, अपना नाम कबीर धरेंगे, काया ज्ञान स्थापित करेंगे, जब जब वे जग में आएंगे, अपने पंथ को फैलाएंगे, करामात जीवों को बतावे, जीव भ्रमवश नरक में जावे। काल है बलवान ऐसा छल की बुद्धि करेगा, मेरा वचन जो दृढ़ रखेगा वो ही इससे बचेगा, अंश अपने और हंसों को बताओ शब्द से, शब्द परखे हम को समझे, गुरु ज्ञान पकड़े दृढ़ता से, काल करेगा ऐसा छल समझो तुम धर्मदास, उसको यम नहीं पा सकता नाम पे जिस विश्वास, हे प्रभु तुम जीवों के मूल, मिटाए मेरे सब दुख शूल, नारायण है पुत्र हमारा, हमने इसको घर से निकाला, काल कांश गया घर आई, जीवों के लिए वो है दुखदाई, धन गुरु जो मुझे बताया, काल अंशों का भेद सुनाया, पुत्र नारायण त्याग ही दिया, वचन आपका मान ही लिया, धर्मदास तुम शीश झुकाता, साहिब आप जीव सुखदाता, किस विधि तरे जीव भव सागर, हे सुख धाम कहो समझा कर, कैसे प्रकट पंथ करूंगा, कैसे जीव लोक भेजूंगा, नारायण दास जो पुत्र अभागा, काल जान कर उसको त्यागा, अब साहिब मुझे राह बताएं, कैसे हंस सतलोक को जाए, कैसे मेरा वंश चलेगा, कैसे आपका पंथ चलेगा, जिससे पंथ चलेगा आगे, वह सब मुझसे कहो समझा के, सुनो ध्यान से शब्दोपदेश, अपना मान कर कहूँ संदेश, नौतम सुरति पुरुष के अंश, तुम्हारे घर प्रकट हो वंश, वचन वंश जग में आएंगे, वे चूड़ामणि कहलाएंगे, पुरुष अंश से नौतम होंगे, जीवों का भय दूर करेंगे, नाम के प्रताप से कलयुग में छूटे काल से, सतनाम को दृढ़ता से पकड़े, छूटे यम के जाल से, जिसे वंश पर विश्वास हो वहां काल नहीं आएगा, यमराज के सिर पांव रख कर सत्यलोक को जाएगा, धर्मदास समझो जरा तुमसे कहूँ मैं पुकार, वचन वंश जो पकड़ेगा उसको लू मैं उबार, हाथ जोड़ मैं विनती करता, कहते वचन जीव मेरा डरता, पुरुष के अंश वचन वंश होंगे, पांव दर्श तो संशय मिटेंगे, इतनी विनय मान मेरी लीजिए, हे साहिब मुझ पर दया कीजिए, सच की रीति तभी जानूंगा, वचनों पे विश्वास करूंगा, सदगुरु ने ये वचन उचारा,
मुक्ता मणि तुम अंश हमारा। धर्म ने दर्शन की हट लाई, इनको दर्शन दे दिखाई। तब मुक्ता मणि क्षण को आए, धर्मदास ने दर्शन पाए। धर्मदास गिर गए चरणों में, पक्की वंश की आश है मन में।